संयुक्त राष्ट्र की नई रिपोर्ट के मुताबिक अलकायदा अपनी जड़ें म्यांमार, बांग्लादेश और भारत के जम्मू कश्मीर में मजबूत करना चाहता है। यह रिपोर्ट हाल ही में ही संयुक्त राष्ट्र ने पेश की है। संयुक्त राष्ट्र की नई रिपोर्ट के मुताबिक अलकायदा इन इंडियन सब कॉन्टिनेंट में 200 अलकायदा के ऑपरेटिव सक्रिय है, जिनका मुख्य हैंडलर है उसामा महमूद। वहीं इस रिपोर्ट के आने के बाद ना सिर्फ जम्मू कश्मीर बल्कि देश के अलग अलग राज्यों में सुरक्षा एजेंसियां अलर्ट मोड पर है। आपको बता दें कि जम्मू कश्मीर में पिछले साल जम्मू संभाग के रामबन जिले से अलकायदा का एक ऑपरेटिव गिरफ्तार किया गया था, जिससे एक हैंड ग्रेनेड भी रिकवर किया गया है। वहीं इस रिपोर्ट के आने के बाद जम्मू कश्मीर में ना सिर्फ सुरक्षा बल बल्कि सुरक्षा जांच एजेंसियां भी पूरी तरीके से अलर्ट हैं। वहीं आपको बता दें कि अभी तक अलकायदा का जम्मू कश्मीर में उस तरीके से वजूद तो नहीं है, लेकिन रिपोर्ट ये साफ जाहिर करती है कि अंदर ही अंदर अलकायदा इन इंडियन सब कॉन्टिनेंट के जितने भी ऑपरेटिव हैं वो बड़ा प्लान जो है वो कर रहे हैं, ताकि इनकी जड़ें ना सिर्फ जम्मू कश्मीर, भारत बल्कि बांग्लादेश और म्यांमार में भी मजबूत हो सके। लेकिन इन सब के बीच सुरक्षा जांच एजेंसियां पूरी तरीके से अलर्ट मोड पर हैं, ताकि आने वाले वक्त में अलकायदा किसी भी अपने मंसूबों में कामयाब ना हो सके। देखिए, ऐसा है, जब से ये अफगानिस्तान के अंदर तालिबान सरकार आई है तो उसका तो उद्देश्य ये है कि वो जो है एक इस्लामिक स्टेट जो है उसका इन्फ्लुएंस जो है सारे सब कॉन्टिनेंट में पूरा का पूरा करें, और उसके नज़रों के अंदर और उसके टारगेट के ऊपर सबसे पहले तो हिंदुस्तान है, हिंदुस्तान में जम्मू कश्मीर है, और उसके बाद में जो आपका है म्यांमार है, बांग्लादेश है, और बाकी जी के जो मुल्क हैं वहाँ पे, क्योंकि इन मुल्कों में जो है वहाँ मुस्लिम पॉपुलेशन ज़्यादा है और वहाँ पर ये अपना जाल फैला रहे हैं। अब इनका इन्होंने किया क्या है कि इन्होंने जो अपना जो ऑपरेटिव्स हैं वहाँ से बांग्लादेश, म्यांमार और ये अपना मलेशिया तक वहाँ पे भी इन्होंने भेजे हैं, और वहाँ पे ये पूरा अपना जाल फैला रहे हैं। कोशिश में लगे हुए हैं कि हिंदुस्तान के अंदर किसी तरीके से वो अंदर हो, इन्फिल्ट्रेट करें, और इन्फिल्ट्रेशन करने के बाद में फिर यहाँ पे जो अपना जो पूरा वो नेटवर्क है वो बना के तो जम्मू कश्मीर के अंदर भी वो करें। और इसके लिए मदद वो मांग रहे हैं जो उनके तारीख़ तालिबान जो है जो पाकिस्तान की उसके साथ में, क्योंकि तारीख तालिबान भी जो है वो तालिबान का ही एक हिस्सा है, और ये जो अलकायदा इन इस्लामिक इंडियन सब कॉन्टिनेंट जो है वो इसी अलकायदा के ये सॉरी तालिबान की एक शाखा है जो बनाई है उन्होंने, ताकि अपने तरफ से वो कहे जी ये हमारा नहीं है, हम नहीं कर रहे, ये कोई और एक ग्रुप कर रहा है, पर सबकी तारें जो हैं, सबका जो कहते हैं रूट जो है वो तालिबान के उधर ही है। जैसे कि ये अपना पाकिस्तान के अंदर वो भी कहते हैं कि वहाँ से जो जितना वो है वो सारे के सारे जो रूट्स हैं वो वहाँ पे हैं। तो इसी हिसाब से ये कोशिश कर में लगे हुए हैं कि किसी ना किसी तरीके से जम्मू कश्मीर टारगेट पे है और हिंदुस्तान पूरा दूसरा टारगेट बड़े टारगेट पे है, क्योंकि एक जो इस्लामिक स्टेट का जो एक अनरिटन आप कह लीजिए या रिटन भी लॉ जो है उसका वो ये है कि काफिरों को जो है उनको ख़त्म करना है। और आपने देखा कि हिंदुस्तान के अंदर किस हिसाब से जब भी ये मुगलों का शासन रहा, हिंदुस्तान के अंदर किस हिसाब से हिंदुओं का जो है वो बिल्कुल कत्ल किया गया। तो ये जो चीज़ है यही इसके ऊपर अभी भी ये काम कर रहे हैं, और इसको जो यूनाइटेड नेशंस की जो ये रिपोर्ट है उसने बिल्कुल सही कहा है। ये हमारी इंडियन इंटेलिजेंस एजेंसीज भी हैं, इसके ऊपर पूरी सतर्क है, क्योंकि जो डर है उनको कि जैसे ये इन्फिल्ट्रेशन बांग्लादेश वगैरह से हो रही है, ये रोहिंग्याज आ रहे हैं, ये क्यों आ रहे हैं यहाँ पे, और सारे हिंदुस्तान छोड़ के जम्मू कश्मीर की तरफ इनका जो रुझान है वो बड़ा एक चिंताजनक है, और इसीलिए वो सारे लगे हुए हैं इसी में। और ये कोशिश है कि जम सिक्योरिटी फोर्सेस की और हमारे इंटेलिजेंस फोर्सेस की कि ये जो है यहाँ पे एक कोई जैसे कहते हैं पौधे का रूट जो है वो ना लगे, और इसको इमीडिएटली जैसे ही कोई एक मिलता है, जैसे पीछे भी पिछले साल एक ऑपरेटिव मिला था इनको अलकायदा का ये रामबन के अंदर बांग्लादेशी, उसको अरेस्ट किया गया, तो उसी हिसाब से इनको जो है जड़ के अंदर ही उसको जड़